Hi guys, here Dr. C. Jagadishwari. I'm a physiotherapist. Welcome to Isha Online Classes. Please subscribe my channel, like it, share it. इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था फेस पोस्चर के बारे में. आई होप आप लोगों को समझ में आया, आपको पसंद भी आया हो. और आज मेरा वीडियो है मसाज के ऊपर, फेस मसाज के ऊपर. एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मुझे पता है कि मजल्स का, मांसपेशियों का ऑरिजिन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ इंसर्शन होता है. तो मैं मसाज एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर मुझे मांसपेशियों का कहाँ से आते हैं, कहाँ तक एंडिंग होता है, उस हिसाब से मैं डेली स्किन केयर के हिसाब से आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज देना चाहती हूँ कि किस डायरेक्शन में मसाज करना चाहिए. रात को सोते टाइम कोई भी मिनरल ऑयल ले लीजिए, जैसे अकॉर्डिंग टू आपके स्किन का टेक्सचर हो या अपना वेदर जो कंडीशन हो उसी हिसाब से ऑयल चूज़ करिए. नेचुरल होना चाहिए, कोई भी आर्टिफिशियल क्रीम या लोशन ये केमिकल्स होते हैं ये फेस मसाज के लिए यूज़ मत करना. और एक एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं ज़्यादा फेस मसाज के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन होने से क्या है, सैगिनेस आ जाता है मजल्स का. ज़्यादा मजल्स को हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसीलिए मैं डायरेक्शंस बता रही हूँ कि मजल्स को हम लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं. और मसाज से आपको पता है कि सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है. इंक्रीज होने से टिश्यूज़ हेल्दी रहते हैं, मांसपेशियाँ हेल्दी रहते हैं, प्लस कोलेजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. तो जैसे 40++ होता है, तो मेरे उम्र भी 40++ है और मैं वेट रिड्यूस करने के बाद क्या हुआ, टिश्यूज़ के पीछे फैट होता है वो कम होने के वजह से मेरा स्किन पूरा सैगी हो गया. और मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स, डबल चिन प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ. रोजीना फेशियल एक्सरसाइज करती हूँ, फेस योगा करती हूँ, बॉडी का तो स्ट्रेंथन करने के लिए करती हूँ. डेली वार्म अप करती हूँ, स्ट्रेच करती हूँ, फिर स्ट्रेंथन करती हूँ मसल्स को, तो मसल पावर को रीगेन करती हूँ मैं डेली. तो फेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत अवेयरनेस मिले लोगों को कि फेस घर पे बुला के हम लोग फेशियल करवाते हैं तो महीने में एक बार या दो बार अच्छे से एक्सपर्ट से कराइए. मिनरल ऑयल अच्छा सा चूज़ करिए, नेचुरल, गो फॉर नेचुरल मैं सजेस्ट. और ये करते हैं कि साबुन लेके मसाज करते हैं, साबुन से ग्लाइडिंग होता है, बल्कि साबुन से नहीं करना, साबुन केमिकल है. और ठंडा पानी से धोना चाहिए फेस को, या कभी कभी ज़्यादा ऑयली लगता है तो वार्म वाटर, डोंट गो फॉर हॉट वाटर, हॉट वाटर भी नुकसान करता. और मसाज से ये प्रॉफिट है अपने को. और एक बात है कि मसाज करते टाइम हम लोगों को तीन चीज़ें याद रखना है. एक तो आइस, कैट आइस या बादाम आइस के जैसा क्रिएट करना है. और एक बात है कि हम लोगों का लोअर चिक बोन है उसको ध्यान में रखना है, और जो आउटर पार्ट ऑफ द लिप्स है इसको भी हम लोगों को शेप देना है ऊपर तरफ, और फेस को भी अपने को ऊपर तरफ देना है फेस, क्योंकि रोज़ रोज़ नीचे अपने स्किन नीचे तरफ आता है, फॉल डाउन होता रहता है. तो अपना फेस मसाज हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर तरफ लिफ्ट करना है अपने को, यहाँ पे कैसा हॉट शेप लाने की कोशिश करना है अपने को, इस तरह से जाना चाहिए मसाज हमेशा नीचे से ऊपर तरफ. और आइस को ऐसे, क्योंकि हम लोग आईब्रो पेंसिल करें तो भी ऊपर तरफ करते हैं, और कैट आइस के जैसा होना चाहिए, बादाम के आंखों के जैसा बनाना चाहिए. और अपने को ये बोन्स है, इस बोन को भी हम लोगों को ऊपर लिफ्ट करना है, ये चिक बोन को ऊपर लिफ्ट करना है, आइस को ऊपर लिफ्ट करना है, और चिन बोन से लेके ये जो जॉ लाइन है उसको ऊपर उठाना है. ये मसाज के अंदर हम लोगों को दिमाग में लगाना है कि इस तरह से अपने को करना है. और मैं अच्छी तरह हैंड को वॉश करी हूँ, और अभी COVID-19 का स्थिति चल रहा है, स्टे एट होम, बी सेफ, बाहर से घर से बाहर मत निकलिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस देख के उनका लाभ उठाइए. जो भी इंटरेस्टेड है उन चीज़ें घर में करिए. अभी मैं बताऊंगी कि आपने को ऑयल लेना है कंपलसरी. ऑयल ग्लाइडिंग होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है अपने स्किन के हाथों के बीच में,
जब मसाज कर रहे हो तो ऑयल रहे तो ये फ्रिक्शन कम करता है, फ्रिक्शन कम करने से अपने को ग्लाइड होता है स्मूथली और अच्छा सा स्ट्रोक दे सकते हैं, और कौन सी जगह पे कहाँ कैसा देना है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम होता है, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है बॉडी का, कि टिश्यूज़ के जो गंदगी होता है वो हार्ट के तरफ लेकर जाता है, तो उसको भी हम स्टिमुलेट करते हैं। तो स्टार्टिंग में बताऊंगी कि नकल्स, जो जॉइंट्स होते हैं हाथों में, 3 जॉइंट्स होते हैं, तो मैं नकल्स यूज़ करूँगी इस पोर्शंस को, कि कान के नीचे ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसको स्टिमुलेट करना है अपने को। 20 से 30 बार करिए, ठीक है। नीचे नेक के रीजन में पहले करने के बाद हम लोग अपर हेड में जाते हैं। अपर हेड मसल्स को हमेशा योगा करते टाइम डिस्टर्ब नहीं करना है बोलते हैं, मगर मसाज के अंदर, क्योंकि देखिए एक बात तो आप कोई भी चीज़ अडप्ट करते टाइम अपने फेस एक्सप्रेशंस, अपने फेस का शेप ध्यान में रखना है, अपना स्किन का टेक्सचर ध्यान में रखना है। आप रोज़ रोज़ जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ क्या करते हैं उसके अगेनिस्ट करना है। अब देखो मैं बार बार ऐसा ऐसा कर रही हूँ, तो मैं मेरे इस डायरेक्शन में मसाज ज़रूरत नहीं है। अभी कोई वीडियो में, मैं वीडियो में बताऊंगी कि ये डायरेक्शन सही है, ऑलरेडी आप कर रहे हो, फिर वही डायरेक्शन में मसाज करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मसाज करना है। जैसे आप नीचे झुक के ज़्यादा काम करते हो तो उसको सिर ऊपर उठाना भी पड़ता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में करना है। मेरा मतलब यह है कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा नीचे खींचता रहता है अपना फेस को, और बोन्स नीचे नीचे आ जाते रहते हैं उम्र होते हैं, तो उसको फिक्स करना है और ब्रेन को बताना है कि हम लोग ऊपर तरफ कर रहे हैं और चीक बोन्स ऊपर आना है। ब्रेन को ऐसा कमांड देना है कि अपना मसाज स्ट्रोक से ब्रेन रिसीव करता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बताऊंगी, क्योंकि जो ऐसा कर रहा है बार बार, कोई ना कोई बार पे ऐसा करता है, ऐसा हम चिंता में आते ऐसा हो जाता है, यहाँ पे 11 नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे अपने को ये 11 नंबर भी निकाल देना है, और यहाँ पे रिंगल्स आता है ये भी निकलना है, और ये बिच रेस्टिंग बिच फेस होता है ये भी निकालना है, स्माइलिंग जहाँ भी ये भी निकालना है। और सबसे अच्छा है कि मसाज से भी और योगा से भी अच्छा चीज़ क्या है कि फेस पोस्चर, सोच सारा दिन अगर सही पोस्चर लगाओगे मसल सही ढंग से काम करेगा। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा पहला वीडियो पोस्चर्स है, बॉडी पोस्चर के बारे में जानिए ज़रूर, अभी मैं बताऊंगी स्ट्रोक्स। चलो नेक का हो गया, और ये फोरहेड का इस तरह से लेकर आइए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके, हाँ, स्किन के, इसका और स्किन के बीच में कंपलसरी मिनरल ऑयल होना है, वो ऑयल अपने हिसाब से चूज़ करिए। नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक मलाई है घर के अंदर, एलोवेरा जेल है घर के अंदर निकाले हुए, मैं तो आई विल सजेस्ट दोस थिंग्स। आप जोजोबा ऑयल है या जो भी आपको ऑयल लेना, राइस ब्रेन ऑयल है या बादाम ऑयल है, आपकी मर्जी है, आप चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो है उसके पास आपको ऊपर लेकर जाना है, यहाँ पे भी ऊपर लेकर जाना है, लिफ्ट अप, क्योंकि अपने को आंखों को ऐसा बनाना है कैट आइज के जैसा, ठीक है। यहाँ पे तो बता दिया मैंने, और आंखों के पास में आपको बिल्कुल ही मसाज नहीं करना है, नीचे नीचे मसाज करना है। तो देखिए रिंग फिंगर ले लीजिए, बेस्ट है, रिंग फिंगर से अच्छा सा प्रेशर आता है आउटर साइड से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनर साइड आना है, बस नीचे का ऐसा ही करना है। और ऊपर के ये नकल्स यूज करके बीस से तीस बार कर सकते हैं। और ये जो 1 नंबर 11 नंबर या जो निशानी पड़ता है एक एक ऐसा, वो निशानी जाना है, तो यहाँ पे हम लोग ये मसल्स को रेस्ट देके इस मसल्स को यहाँ पे धीरे से, लिटिल प्रेशर जेंटली, थोड़ा सा प्रेशर एंड जेंटली करना है अपने को, देन यहाँ पे रेस्ट करके फिर यहाँ से धीरे से आराम से, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया है ना। फिर हम लोगों को यहाँ पे जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर यूज करके करना है,
यहाँ पे भी करते टाइम आप अभी नीचे करते टाइम बार बार ड्रेनेज सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और कोई डाउट है, यहाँ पे ऐसे, और पफी आइज जो यहाँ पे लटकते हैं वो भी जाने के लिए आप ऐसा पकड़ के यहाँ पे स्टिमुलेट कर सकते हैं। नाक के पास और यहाँ पे एक मसल्स होते हैं यहाँ पे, देन ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये डेली केयर के नीचे ज़्यादा स्ट्रोक्स मत दीजिए, ज़्यादा मतलब जस्ट ज़्यादा बार लालच में आके ग्लो स्किन होना है, क्लियर स्किन होना है मैं करूँगी, ऐसा नहीं है। आप कोई भी फाउंडेशन लगाते हो दिन में, कोई भी मेकअप करते हो तो कोकोनट ऑयल से वो मेकअप को धीरे से निकाल के अच्छा सा क्लॉथ, कॉटन के क्लॉथ से धीरे से उसको पोंछने के बाद आप नाइट को सोते टाइम कोई भी मिनरल ऑयल से अगर डेली केयर के नीचे करेंगे तो कम बार आप करके और महीने में एक दो बार कर रहे हो तो वो डिफरेंट है। स्ट्रोक्स माने करने का रिपीटेशंस, आप रोज करने वाले हो तो कम रिपीटेशन करिए, ज़्यादा छेड़खानी, कोई भी मसल्स को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, स्ट्रेंथन करना है मसल को हम लोगों को। उसको छोटे छोटे टाइनी मसल्स होते हैं, छोटे छोटे स्लीपिंग मसल्स होते हैं, सोते हैं ये मसल्स कुछ काम नहीं करते, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन उधर इंक्रीज कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको मसल्स को बूस्ट कर रहे हैं मसल पावर को। तो अपना मोटो यही होना चाहिए कि ना कि डिस्टर्ब करे कोई मसल्स को, हम लोग को चीक मसल्स को डिस्टर्ब नहीं करे। और कोई भी चीज़ करते टाइम पहले पूरे फेस को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद स्टार्टिंग में रिलैक्स करके स्टार्ट कर सकते हो मसाज, फिर पूरा होने के बाद ये करके रिलैक्स करते हो। एक्स्ट्रा ऑयल होता है, टिश्यू पेपर से या कॉटन से वाइप कर लीजिए, और जब मुंह धोते हो वो पानी डाल के फिर उसको भी आप पोंछते टाइम बस खाली बस इतना ही, नहीं ज़्यादा रगड़ना नहीं है बिल्कुल। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स एंड योर नियर्स एंड डियर्स, प्लीज़ थैंक यू वेरी मच।